हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशा का जायका। फ्रेंड्स, गुजराती में ऐसा कहा जाता है कि वरसाद आवे एटले भजिया तो खावाज पड़े, और इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कई सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ सॉफ्ट स्पॉन्जी भजिया। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फ्रेंड्स, चटनी के बिना भजिया अधूरे है, तो उसके लिए एक बोल में हम लेंगे 2 टेबलस्पून इमली, 2 टेबलस्पून खजूर और 2 टेबलस्पून गुड़। इसमें 1 कप गरम पानी डालेंगे और ढककर इस साइड पर छोड़ देंगे। अब हम भजिया बना लेंगे। भजिया के लिए सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए एक खलबत्ता लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च। इसको दर दरा कूट लेंगे। देखिए इतना दर दरा रखना है। अब इसे साइड पर रख देंगे और एक परात लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 कप बेसन। अब सबसे पहले टिप, बेसन यहाँ पर बाहर जो पैकेट्स में अच्छी क्वालिटी का मिलता है वहीं लेना है, और दूसरी बात यहाँ पर बेसन को छान कर लेना है। इससे हमारे बेटर में एक भी लम्स नहीं रहेगा और एरेशन की वजह से हमारे भजिया सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। हमने जो कूट कर रखा था वो मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून, और थोड़ा सा हम चटनी के लिए साइड पर रख देंगे। इसके साथ साथ 2 तीखी हरी मिर्च को बारीक चॉप करके लिया है। और अब जाएगा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है 1 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक। फ्रेंड्स, मेथी का भजिया बनाते वक्त एक बार ये डाल कर देखना, ये 1 चम्मच आपके डिश का जायका बदल देगा। ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए इसके लिए 2 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 कप बेसन लिया है, उसके सामने 1 कप बारीक कट की हुई मेथी डालनी है। अब दूसरी टिप, अगर आप मेथी ज्यादा डालोगे तो आपके भजिए ऑयली बनेंगे, इसीलिए जितना हमने बेसन लिया है उससे आधी हमें मेथी लेनी है, और इसी के साथ 1/2 कप बारीक कट किया हुआ धनिया डालेंगे। फ्रेंड्स, मेथी और धनिया को अच्छे से वॉश करके लेना है। टिप नंबर 3, यहाँ पर सारी चीजों को एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है। आटे की तरह मसल मसल कर इसको मिक्स नहीं करना है, नहीं तो भजिया अंदर से हार्ड बनेगा। टिप नंबर 4, यहाँ पर हमें भजिया का बैटर गर्म पानी से बनाना है। थोड़ा सा गर्म पानी डालना है और इस तरह हल्के हाथों से विस्कर से मिक्स कर लेना है। इसको विस्क नहीं करना है, सिर्फ मिक्स करना है। फ्रेंड्स, एक बार गर्म पानी डालकर देखना, आपके भजिया ठंडे होने के बाद भी एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट रहेंगे। यहाँ तक कि प्रोसेस करके ढककर इसको साइड पर छोड़ देंगे, और हमने जितने भी मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से अपना फ्लेवर रिलीज कर दे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है हम चटनी बना लेंगे। उसके लिए एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम तीखी हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसके साथ 1/2 कप ताजा कटा हुआ धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून कूटा हुआ मसाला डालेंगे, थोड़ा सा मैंने साइड पर रख दिया है वो हम ऊपर से डालेंगे, 1 टीस्पून सौंफ और हमने जो इमली और खजूर भिगो कर रखे थे वो ऐड करेंगे। अगर जरूरत लगे तो उसी में से थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। अब सारी चीजों को पीस लेंगे। अब एक छन्नी में इसको छान लेंगे। पीसते वक्त मैंने इसमें 2 चम्मच जितना और पानी ऐड किया था। अब जिस जार में हमने ग्राइंड किया था उसी में थोड़ा पानी डालकर सारी चटनी निकाल कर अच्छी तरह से छान लेंगे। परफेक्ट, एक बार टेस्ट कर लेना है। अगर आपको गुड़ या नमक कम लगे तो इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। अब इसी के साथ इसमें थोड़े से तेल, बचा हुआ मसाला डालेंगे और ताजा कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको ज्यादा पतले पसंद है तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। तो हमारी चटपटी चटनी तैयार है।
तो फटाफट भजिया भी फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है और हमारा भजिया का बैटर भी सेट हो गया है। अब लास्ट में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसके ऊपर एक नींबू का रस ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2 कप बेसन में एक नींबू का रस जाएगा, उससे खट्टा नहीं होगा लेकिन टेस्ट बैलेंस होगा। थ्रू आउट प्रोसेस एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी। फ्रेंड्स, सोडा ज्यादा नहीं डालने हैं, नहीं तो आपके भजिए लाल हो जाएंगे। और सबसे आखिरी टिप, इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून गरम तेल। फ्रेंड्स, तेल डालने से आपके भजिए एकदम जालीदार बनेंगे। हमारा तेल गरम है तो मैं इसको चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। परफेक्ट फ्रेंड्स, बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है। आप जब इसको प्लेट में गिराओगे तो ये इजीली ड्रॉप हो रहा है। अगर बैटर ज्यादा पतला होगा तो ये तेल पी लेगा और ज्यादा गाढ़ा होगा तो आपके भजिया हार्ड बनेंगे। फ्रेंड्स, हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, थोड़ा सा बैटर डालकर देख लेंगे। देखिए, ये अपने आप ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा तेल प्रॉपर गर्म है। अब हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से भजिया डाल देंगे। भजिया डालते वक्त गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम रखना है, मीडियम से ज्यादा हाई नहीं करना है और एकदम स्लो भी नहीं रखना है। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, तेल ज्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो भजिया लाल बनेगा। एक बार सारे भजिया हम डाल दें उसके बाद गैस का फ्लेम स्लो से थोड़ा ऊपर होना चाहिए ताकि वो अंदर से कुक हो जाए। देखिए, अभी जितने बबल्स दिख रहे हैं तेल में, धीरे धीरे ये कम होते जाएंगे, इसका मतलब हमारे भजिए तैयार है। देखिए, बबल्स थोड़े कम हो गए हैं, अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे भजिया का कलर बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ है और एकदम फूले फूले है, परफेक्ट। इसी तरह से हम सारे भजिए फ्राई कर लेंगे। तो हमारे भजिए भी तैयार है और चटपटी टेस्टी चटनी भी तैयार है और बारिश भी आ रही है तो फटाफट सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर स्टेप बाय स्टेप आप मेरी मेथड को फॉलो करेंगे तो आपके भजिए भी इतने सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार बनेंगे। देखिए, अंदर से एकदम जालीदार है, कच्चे भी नहीं है और एकदम स्पॉन्जी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो भूले बिना लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी बी हेल्दी।